अच्छा भाई मुझे बताएं इसको क्या मसला है? इसको मसला कोई भी नहीं पता लग रहा है क्या हुआ? क्या कर रहा है? खा भी नहीं रहा? खा भी नहीं रहा। कितने दिन से नहीं खा पी रहा? चौथा दिन है। बिल्कुल नहीं खाया पिया और मोशन वगैरह किए हैं इसने, उल्टियाँ की हैं? लेकिन मोशन नहीं है। मोशन तो जब इसने खाना पीना बंद किया तो उससे पहले मोशन किया हो, खून वाला मोशन किया हो, तो अगर कुछ खाए पिए तो उल्टी करता है? अच्छा ठीक है, आपने ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की है? तब भी नहीं खाया इसने? ठीक हो गया। फांसी टीके कोई लगवाए हुए इसे? उम्र क्या है इसकी? आखिरी दफ़ा इसने को खाने को क्या दिया था? आखिरी दफ़ा रात को ही बस खिलाया था, सुबह इसने कोई चीज़ भी नहीं खिलाया। कल रात को दिया था? कम से कम दो दिन पहले। क्या दिया था खाने को? दूध पिलाया था। बस दूध ही पिलाया, उसके अलावा रोटी छोटी गोश्त वगैरह? गोश्त दूध और रोटी पिलाई थी। चलो ठीक है, मैं इसको फिर मेडिसिन लिख देता हूँ। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा। ये वाले मेडिसिन लिए हैं, इसको ड्रिप लगनी है, साथ में दो तीन इंजेक्शन है। ड्रिप तैयार करो। डॉग हमारे पास आया, इसमें जो है ये चार पाँच दिन से खा पी नहीं रहा और इनकी हिस्ट्री ये है कि इन्होंने सर्दी में बाहर बांधा हुआ था। मोस्ट लाइकली एक तो ये हाइपोथर्मिक बहुत ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर बॉडी का बहुत डाउन है, और इसके साथ साथ जो है इसको गैस्ट्रो हुआ है, क्योंकि ओनर जो बता रहा था कि इसने वोमिटिंग की है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम कहते हैं मोस्ट, उसकी जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो हमारे साथ जो है पार्वो जो वायरस एक्राइन पार्वो वायरस उसके साथ मिलते जुलते होते हैं, और ट्रीटमेंट भी उसकी सेम ही होती है। तो अभी हमने जो फर्स्ट है वो ये कि इसको फ्लूइड लाइन इसकी मेंटेन की है, फ्लूइड दे रहे हैं हम ताकि इसके जो डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है वो इसकी जो है पानी की कमी पूरी हो, और इसके साथ साथ जो है नरवाइन टोनिक है, लिवर टोनिक दिया है, और साथ एंटीबायोटिक हमने दी है ताकि अगर कोई इन्फेक्शन चल रही है उसकी वो कम्बैट कर सके।